ओके सो बात करें यार, लास्ट लेक्चर में हमने एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। मैंने पहले भी बताया था कि ये न्यू टॉपिक क्या है, ये मेजरमेंट से रिलेटेड है, एरर से रिलेटेड है। और मैंने बताया था कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर उन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स में उतना अच्छा सा ध्यान नहीं दिया, उतना अटेंटिव नहीं थे वो प्रीवियस लेक्चर में, तो अभी एरर वाला पार्ट वो आराम से सीख सकते हैं। सो दैट मीन्स लेक्चर 1 से 6 तक ठीक है, प्रीवियस पार्ट था, बट फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स आप फिर से सीख सकते हो। ठीक है, तो यार थोड़ा एफर्ट लगाना है, ट्राई करना है, और कुछ भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो बताना है। तो सबसे पहले, सबसे फर्स्ट पार्ट बताओ यार, प्रीवियस लेक्चर में कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो बताएं। एनीथिंग, फर्स्ट पार्ट एक्वेरेशन प्रिसीजन, ये समझ आया था प्रॉपरली? यस सर, समझा। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून यार। सो यस सर, एक्यूरेसी और प्रिसीजन हमने बहुत अच्छे से देखा था। फिर हमने एक टर्म डिफाइन किया हुआ था, क्या? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, ये समझ आया था? यस ओके। फिर हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की थी कि यस लीस्ट सर, काउंट और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या है। दोनों इंस्ट्रूमेंट को बिलोंग करते हैं, बट लीस्ट काउंट और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, बताया कोई? द मेजर डिफरेंस यार, एनीवन? कार्तिक, व्हाट इज द डिफरेंस इन लीस्ट काउंट एंड प्रिसीजन? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो सबसे निचला लेयर आपको वॉइस बहुत स्लो आ रहा है, जस्ट मिनट, थोड़ा सा लाउडर या फिर माइक को पास में लेके आए, ईयरफोन वगैरह सर, यूज अभी आ कीजिए। रहा है सर। या लीस्ट काउंट मतलब द मोस्ट स्मॉलेस्ट काउंट ऑन एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, एंड प्रिसीजन? प्रिसीजन ऑल्सो बिलोंग्स टू द लीस्ट काउंट। आई एम आस्किंग व्हाट इज द की डिफरेंस, कैन एनीवन पॉइंट टुवर्ड्स द की डिफरेंस, व्हाट इज द की डिफरेंस? क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इट्स द सेम पार्ट। प्रिसीजन एंड लीस्ट काउंट में क्या डिफरेंस है? सर, यस अर्नव, सो यू कैन चेंज द प्रिसीजन ऑफ अ डिवाइस बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ या एक्सपेरिमेंट्स। एग्जैक्टली, आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर नॉट फोकसिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट। लास्ट टाइम कितना प्रॉपर एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था, अभी समझ आया कि नहीं? लीस्ट काउंट एंड प्रिसीजन, दे आर सॉर्ट ऑफ सेम थिंग। मैंने लिखा हुआ है ना, यूजुअली दे आर इक्वल, बट द क्वालिटी पार्ट अबाउट द प्रिसीजन इज यू कैन चेंज द प्रिसीजन इवन इफ यू डोंट हैव अ गुड इंस्ट्रूमेंट। बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, यू कैन इंक्रीज द प्रिसीजन, बट द लीस्ट काउंट इज अ फिक्स थिंग विच इज लाइक रिटन ऑन अ इंस्ट्रूमेंट, यू कैन से। यार अभी याद आया कि नहीं, बताए? हाँ सर, याद है। हाँ सर, पक्का ना? हाँ सर, ओके ओके, फाइन फाइन। सो लेट्स मूव टू द एरर एनालिसिस पार्ट। सो एरर एनालिसिस में हमने बताया कि वी विल हैव अ सेट ऑफ डेटा, ठीक है, अ सेट ऑफ डेटा, देन उस पे क्या होगा, वी नीड द ट्रू वैल्यू, तभी तो हम एरर बताएंगे। सो हाउ वी डिफाइन द ट्रू वैल्यू, वी टेक द एवरेज ऑफ ऑल द डेटा, क्लियर ना? यस। सो फर्स्ट स्टेप इज टू गेटिंग द ट्रू वैल्यू, यू नीड ऑल द एवरेज ऑफ ऑल द डेटा, देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट, ट्रू वैल्यू माइनस द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट विल गिव यू द चेंज विच वी कॉल एब्सोल्यूट एरर। ओके ना? बट ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, सो इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर वन क्लास विद अनदर क्लास, वी नीड मीन एब्सोल्यूट एरर और एवरेज ऑफ ऑल द एरर्स, ठीक है? फिर हमने डिफाइन किया कि इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर डिफरेंट क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, सो देन वी गो फॉर रिलेटिव एरर, विच इज द एरर डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू, विच इज इट्स एरर डिवाइडेड बाई इट्स ट्रू वैल्यू, क्लियर ना? ओके, यस अगर देखे तो रिलेटिव एरर पॉइंट में होता है, थोड़ा देखने में कम अच्छा लगता है, सो वी मल्टीप्लाई इट विद 100 एंड इट बिकम्स परसेंटेज एरर, डन? यस सर, ओके, फिर मैंने बताया देर आर टू टाइप ऑफ राइटिंग एन आंसर, एक तो आप एरर लिख दो या फिर आप क्या निकाल दो, उसका परसेंटेज। परसेंटेज निकाल दो। दो मेथड है और दो तरीके से आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। फिर हमने बात की कि यार कॉम्बिनेशंस में एरर की क्या प्रॉब्लम होगी, तो
तो हमने बात की कि अगर एडिशन हो रहा है, कोई एक ऐसी क्वांटिटीज है विच इज डिफाइंड बाई द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज और बाई द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, तो दो चीजें होती हैं। एक तो होता है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब एक्स फाइंड करना, वो तो डेफिनेटली कर लोगे ना, ए प्लस बी, और अगर माइनस होगा तो क्या करेंगे, ए माइनस बी। बट व्हेन इट कम्स टू द एरर कैलकुलेशन डेल्टा एक्स, वी ऑलवेज लुक टूवर्ड्स द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। सो इवन इन द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो व्हाट वी डू, वी एड द एरर। ओके ओके गुड। एंड देन नेक्स्ट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज एरर दे दी है तो क्या हम परसेंटेज एरर ऐड कर देंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और फिर निकालेंगे। यार बहुत ही बढ़िया। सो एक मैंने क्वेश्चन दिया, हमें सीरीज में रेजिस्टेंस निकालने थे। सो यार देखो, रेजिस्टेंस सीरीज में मतलब टोटल ऐड होंगे। सो अभी क्या यहाँ पर परसेंटेज एरर दी थी क्या? नहीं, एब्सोल्यूट थी, तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में क्या दे सकता है, परसेंटेज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट में चेंज, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल बेसिक होता है, लाइक मैं बोलूं कि 20 का 2%, 200 का 5% कितना होता है, सो 5% इज लाइक 5 × 100, कितना आ गया, 10। तो लाइक वाइज वी कैन सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड कर देंगे। अब रिवर्स भी पॉसिबल है कि हमें पता है कि हमारा आंसर किसमें आ रहा है, हमारा आंसर एब्सोल्यूट एरर में आ रहा है, तो मे बी अब ऑप्शन किसमें हो सकता है, परसेंटेज में। अब परसेंटेज एरर निकालना हमें पता ही है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। क्लियर ना परसेंटेज निकालना? हाँ सर। तो ये पार्ट मैंने देखा था। उसके बाद मैंने कहा था कि यार एनसीईआरटी में से एक एग्जांपल कर लेना ऊपर वाले सेक्शन का, बाकी एग्जांपल मैं करवाऊंगा। तो किसी कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया था यार ये एग्जांपल इससे रिलेटेड? यार हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक? यार बताएं, रेज योर हैंड। स्वयं, वेरी गुड। हु एल्स? ओके, I guess nobody has solved that question. हाँ, आपको भूल गया था या फिर क्वेश्चन मिला नहीं एनसीईआरटी में, बताएं? भूल गया था, चले कोई बात नहीं है, ठीक है, भूल जाना इज सर। या मैंने आज ही शुरू किया है। ओके, हु इज दिस? या जय। जय। ओके जय, आपको प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 7 भी देख लेना चाहिए था, तो बेटर रहेगा। हाँ, कहाँ पर देखूँ मैं? यूट्यूब ग्रुप पे आप एडेड हो ना, ग्रुप पे ही लिंक है उसका। या अच्छा, एक बार ऑफिस में कॉल अप करके आप एक बार लिंक ले लीजिए। इट्स बेटर इफ यू वॉच लेक्चर 7 देन दिस लेक्चर। सो इट्स बेटर इफ यू वॉच फर्स्ट लेक्चर नंबर 7 देन ये लेक्चर देखोगे तो बेटर कनेक्टेड रहेगा। ओके ओके सर, थैंक यू। या यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए एवरीवन, दिस स्क्रीन इज विजिबल, दिस वन? यस सर। यस यस। क्वेश्चन 2.7 चलिए सॉल्व करें। क्वेश्चन 2.7 करना है। आई विल हाइड द आंसर और एनसीईआरटी बुक ओपन करके आंसर नहीं देखने लगना। ओके सर। या सॉल्व इट। सो आई विल रीड द क्वेश्चन। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी दीज। मतलब किसी स्टूडेंट ने ऐसे बहुत बार सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया और आंसर्स क्या क्या आ गए, दीज 5। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है, रिलेटिव मतलब परसेंटेज, तीनों सॉल्व करनी है। सो आपको पता है ना, परसेंटेज एरर सॉल्व करने के लिए पूरा एंड तक सॉल्व करना है। चले जल्दी से सॉल्व करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका, बुक ओपन करके आंसर नहीं देख लेना किसी को, ठीक है, सॉल्व इट।
सर हाँ बोलिए इट इज 2.62 ओके ओके फाइन लेट द अदर आल्सो सॉल्व विल चेक हाँ ओके आई गेस आप लोगों ने एवरेज निकाल लिया होगा देखें क्या होगा विल ऐड ऑल दीज वैल्यूज एंड हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर 1 2 3 4 5 सो विल डिवाइड दीज विद 5 सो सबने ऐड किया कितना आंसर आया 13.12 आया इफ यू डिवाइड इट बाई 5 विल गेट अवर ट्रू वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें ट्रू वैल्यू क्लियर अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से क्यों कराया है क्योंकि शीट में ऐसे टाइप के क्वेश्चन कम होंगे क्यों बहुत ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में क्यों आएगा समझ रहे हो डिस्क्रिप्टिव टाइप है तो इसलिए जरूरी है थोड़ा सा बुक में से सॉल्व कर लेंगे हमारा ये आंसर आ गया अब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं ओके ठीक है सो डिवाइड किया व्हाट वी गॉट 2.624 अच्छा अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर इसे फिर 2.62 लिख दिया हुआ है तो इस 4 का क्या किया है राउंड ऑफ अभी प्रॉब्लम है कि राउंड ऑफ किया क्यों है व्हाई कैलकुलेशंस इजी होंगे कैलकुलेशन इजी होगा चलो फिजिक्स से हम ये नहीं डील करते कि कैलकुलेशन इजी होगा एक्चुअली पहले मैं आपको एरर सिखाने वाला हूँ उसके बाद यही सिखाने वाला हूँ कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि जब आप पे ऐसा एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है तो राउंड ऑफ करना चाहिए या नहीं कब करना चाहिए कितना राउंड ऑफ करना चाहिए वो सारी चीजें मैं 2.6 भी तो कर सकता था और इजी करने के लिए सिग्निफिकेंट पर बाकी के वैल्यू डबल डेसिमल एग्जैक्टली आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया क्या कि ये जो बाकी के वैल्यू है किसमें है डबल डेसिमल हमारी ट्रू वैल्यू भी किसमें होनी चाहिए डबल बस बस इतना ही लॉजिक था यार कॉमन सेंस आ गया तो फिजिक्स तो 10-20% तो आपको ऐसे बूस्टर मिल जाता है ठीक है चले तो ये राउंड ऑफ करने का रीजन आपको समझ आया बिकॉज ऑल अदर वैल्यूज ऑल इन डबल डिजिट तो हमने भी डबल डिजिट में कर लिया अब क्या किया हमने ट्रू वैल्यू माइनस कर ली तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई एरर्स ठीक तो अभी आप लोग सॉल्व कर लोगे मैं इतना नहीं उन पर टेंशन ले रहा हूँ देखो कुछ नेगेटिव वैल्यूज आ गई हैं हमें नेगेटिव इग्नोर करना है मैंने पहले भी बताया अदरवाइज फिर एरर ओवरऑल कम हो जाएगी बट वी लुक इनटू एक्चुअल टोटल सो ये देखो सारी वैल्यूज कैसे ऐड हुई हैं प्लस में सबको समझाना ये वैल्यूज और फिर हमने टोटल ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गई हमारी क्या टोटल एरर डन यस आप गौर करना आप अच्छे से डिवाइड करो देखो डिवाइड करके आंसर क्या आने वाला है 0.1 फिर जाएगा क्या डिवाइड नहीं जाएगा फिर जीरो ऐड होगा 108 देख रहे हो ना बट लिखा क्या है 11 समझ आया क्यों डबल डेसिमल प्लेसेस और ये आगे हम पढ़ने वाले हैं इस चीज को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं आगे हम देखेंगे तो आप समझ गए कि 8 को क्या करना पड़ेगा राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से ज्यादा है इसलिए यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा सर या वो 5 या 5 से ज्यादा होता है ना मतलब आगे समझा आई गेट योर डाउट आगे हम राउंड ऑफ सिखाने वाले वहां पर मैं बताऊंगा कि अगर 5 आएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी ठीक है 5 से लेस का आपको पता है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा 5 से ज्यादा पे ऐड होगा 5 होगा तो क्या प्रॉब्लम है वो मैं आगे बताऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में ठीक है तो ये आ गई हमारी एरर अभी क्या आ गया फाइनल आंसर टाइम पीरियड का डन ओके अब यहां पर समझे कि सारी वैल्यूज हमने यहां पर देख ली क्या रीड करें यहां पर कि टाइम पीरियड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं टाइम पीरियड को ये लिख सकते हैं या फिर टाइम पीरियड को लिख सकते हैं ये मैंने बताया दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एंड दिस इज द
मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. सो पता चला कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आई है ये और ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. ठीक, अब हम बात करें कि हमने ऑलरेडी इसको राउंड ऑफ कर दिया था ना. हाँ. मतलब क्या आर वी सर्टेन अबाउट दिस डिजिट और नॉट? नो वी आर नॉट. नहीं, वी आर नॉट सर्टेन. वो हमने राउंड ऑफ करके कर दिया था. तो इसका मतलब ये है कि हम जो डिजिट लेके आ रहे हैं ये वाला, ये सर्टेन नहीं है. ठीक है, सो आगे इसमें टेंशन नहीं ले. आगे मैं क्या करने वाला हूँ, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताने वाला हूँ कि कब हमें जरूरत पड़ता है ये सर्टेन या अनसर्टेन करने का. अभी के लिए आप आंसर समझ गए कि ये लिखेंगे हम, आंसर शुड बी दिस. ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि इसमें ये क्यों लिख दिया हुआ है. क्लियर, इसमें ये किस तरीके से इसने ये लिख दिया हुआ है, कब इसको हम 2.7 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, क्या चीजें होंगी, वो मैं आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताऊंगा. तो अभी के लिए आप यहां तक सॉल्विंग करना समझ गए. अब फाइनल आंसर में और क्या चेंजेस आएंगे वो मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, अब बात आती है क्या परसेंटेज एरर की. ठीक, तो परसेंटेज एरर जरूरी नहीं है ऐसा करने की, ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया हुआ है. आप सिंपल भी रख सकते हैं, द एरर इज 0.11 और ये क्या हो जाएगी 2.62. आप सॉल्व करेंगे नियर अबाउट 4% एरर आ रहा होगा. ठीक है, बाकी कैसे ये वैल्यूज चेंज होती हैं ये आगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखेंगे. तो मुझे लगता है यहाँ तक यार कोई डाउट नहीं है किसी को, ये टाइप का क्वेश्चन समझ आ गया जो हमने वहां कल लेक्चर में देखा हुआ था. यस सर. ओके चलो. ठीक है, ओके सो चले स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज. तो आज एक एग्जांपल देख लेते हैं. कल जो हमने एग्जांपल देखा हुआ था, जो मैंने कल बताया था आपको कि थोड़ा केयरफुल रहना चीजों को लेके, उसी पर हम एक एग्जांपल यहाँ पर बात कर लेते हैं. चले मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट an object at two different times. So temperature of an object at two different times is, मान लेते हैं कि पहले टाइम पे था कुछ 20 प्लस माइनस 1% और लेट्स से प्लस माइनस 2% एंड 50 प्लस माइनस 3%. देन फाइंड द डिफरेंस इन इट्स टेम्परेचर. इन इट्स टेम्परेचर. क्वेश्चन समझ आया कि नहीं बताएं? हाँ सर. तो सबसे पहले हम क्या किया करते हैं बताएं, अगर प्रीवियस लेक्चर याद हो तो सबसे पहले हम क्या चीज निकालते हैं? ना, ये सब बाद में, ये सब बिल्कुल बाद में. सबसे पहला ट्रू वैल्यू. आंसर कैसा दिखेगा? अरे एवरेज नहीं है, एवरेज नहीं. जहां पे हमें फॉर्मूला पता है वहां पर फॉर्मूले से निकालोगे ना. जहां पे कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारा डेटा है, तब एवरेज निकालते हैं. जहां पर फॉर्मूला दिया है तो वहां से निकालेंगे. हमें यहाँ पर क्या सॉल्व करना है? टेम्परेचर चेंज क्या सॉल्व करना है? टेम्परेचर चेंज मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? T2 माइनस T1 ये हमें सॉल्व करना है. तो पहले तो हमें एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए ना कि एक्चुअल आंसर कितना आने वाला है. एरर कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे ना. तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी? एक्चुअल वैल्यू डेल्टा टी आएगी 50 माइनस 20 कितना आ गई? 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये आ गया हमारा क्या चेंज. अब हमें क्या फोकस करना पड़ेगा? किस पे? एरर कैलकुलेशन. क्या अच्छा, अब दो चीजें हैं. तो एक क्या मैं डेल्टा टी परसेंटेज, क्या मैं डायरेक्टली बोल दूं कि परसेंटेज एरर इन टी कितना आ जाएगी? 2 प्लस
थ्री कितनी 5%, और अगर हमें डेल्टा टी निकालना है तो कैसे निकालेंगे 50 का 5% 15 to 5 बाई 100 तो कितना आ जाएगा 2.5 डिग्री सेल्सियस। समझ आया क्या? हाँ ये नहीं करते हैं, कल मैंने बताया था और ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो एकदम अच्छे से। क्या जब भी कभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब सम या डिफरेंस का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमेशा किस एरर को ऐड करते हैं? रिलेटिव एरर। हे क्या बोल रहे हो, रिलेटिव एरर को, परसेंटेज को, परसेंटेज को नहीं, एब्सोल्यूट एरर को ऐड करते हैं। अरे भाई क्या चल रहा है यार, वापस आते हैं। नहीं हाँ सर समझ में आया। हाँ सर, यहाँ पर जब भी कभी हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया तो क्या रूल समझाया आपको, कहीं पे लिखा क्या कि डेल्टा एक्स का परसेंटेज विल बी परसेंटेज ऑफ ए प्लस परसेंटेज ऑफ बी? नहीं नहीं, ये नहीं करते हैं। ये डेफिनेटली माइंड में रखो कि ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया है तो इजी लगेगा कर लिया सॉल्व, ये नहीं होता है। मैं यहाँ पर चलो लिख देता हूँ फिर से, इन यहाँ पर लिख देता हूँ यार फिर से, इन सम और डिफरेंस हम ऐसे नहीं करते कि परसेंटेज एरर इन एक्स विल बी परसेंटेज ऑफ ए प्लस परसेंटेज ऑफ बी, ये नहीं करते, ये रॉन्ग है। यस सर। ठीक है, ये रॉन्ग है। करेक्ट वे क्या है ऑलवेज? एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी। यस वेरी गुड। So absolute error of x will be plus minus, answers can be in both format. So absolute error of a, absolute error of b, this is the correct way to approach the question. Clear आया कि नहीं यार? हाँ सर। Yes sir। चले solve कर लेते हैं। Yes sir। इसका मतलब हम 2% या 3% नहीं कर सकते, हमें निकालना पड़ेगा उनकी absolute error. So बात करेंगे क्या? T1, temperature 1 कितना है? 20 plus 2%, तो then delta T1 कितना होगा? Change in ये तो 100 कितना आ जाएगा? 0.4 डिग्री सेल्सियस। T2 निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 50 plus minus 3%। So, इसे अगर हम देखें तो देन क्या हो जाएगा डेल्टा T2? 15 to 3 upon 100। यस 15 to 3 upon 100। सो कितना आ गया यहाँ पर? 1.5 कैंसिल, 1.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ आवर फाइनल आंसर विल बी देन डेल्टा टी एक्चुअल एरर विल बी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। देखो आंसर कितना आ जाएगा, 0.4 plus 1.9। जबकि प्रीवियसली देखो आंसर क्या आ गया था, 2.5 आ गया था। समझ आया ना यार डिफरेंस? हाँ सर। पक्का यार सबको समझाना यार, अच्छे से क्लियर हुआ सम और डिफरेंस? हाँ। में क्या करना होता है? एब्सोल्यूट एरर ऐड, एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड करना होता है। ये चीज नहीं ध्यान दी तो पक्का क्वेश्चन गलत होगा। हाँ अभी क्वेश्चन में परसेंटेज एरर भी पूछ सकता है, सो अगर चाहिए तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, अब बाद में निकाल सकते हो, पहले नहीं निकाल सकते। तो परसेंटेज एरर मतलब 1.9 कितना परसेंट है? हाँ। आपको क्या निकालना है, परसेंट ऑफ डेल्टा टी। सो ये हो जाएगा क्या, 1.9 डिवाइडेड बाई टोटल कितना 100, so near about 10 cancel out होगा, 19/3 कितना आ जाएगा ये? 6.33% देख सकते हैं। Clear? तो इसका मतलब final answer क्या क्या हो सकते हैं? Final answer आपको जो books वगैरह में मतलब MCQs दिखेंगे उसमें क्या क्या आंसर्स दिख सकते हैं वो हम देख लेते हैं फाइनल आंसर। तो पहला फाइनल आंसर दिख सकता है 30, मतलब डेल्टा टी निकाल रहे हैं ना, टेम्परेचर डिफरेंस।
एक्चुअली टेम्परेचर डिफरेंस ये क्वांटिटी में डेल्टा टी बार बार लिख रहा हूँ, कुछ और लिख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू मतलब टी डैश बोल सकते हैं, कहीं ये डेल्टा टी मतलब एरर ना लगने लगे आपको। लेट्स से टेम्परेचर चेंज क्या टी डैश है, ठीक है, सो परसेंटेज इन टी डैश, ये इसका मतलब है, एरर इन टी डैश। तो ये कितनी हो जाएगी टी डैश की वैल्यू, टी डैश की वैल्यू हो जाएगी कितनी 30 प्लस माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 30 प्लस माइनस 6.3%। क्लियर? तो मुझे लगता है यार अभी ये आइडिया आपको समझ आया, ये ध्यान रहेगा, पक्का नहीं भूलेगा ना? नहीं सर। हाँ तो सम और सब्ट्रैक्शन का आई गेस सबको क्लियर हो गया ना? यस सर। हाँ हमने ये 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 किया। हाँ तो हमें ऐड करना होता है ना? नहीं, एरर ऐड करना है, एक्चुअल वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाँ डिफरेंस। फिर से सुना यार, फिर से ध्यान दो। पॉइंट ये है कि एक्चुअल क्वेश्चन अगर आपसे कहेगा कि यार मल्टीप्लाई करो, तो आप मल्टीप्लाई ही करोगे ना। एक्चुअल क्वेश्चन कहेगा कि आप सब्ट्रैक्ट करो, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सिर्फ किसका पैटर्न हमें लर्न करना है? एरर का। समझा? ओके सर। सो एक्चुअल वैल्यू विल बी एज पर द क्वेश्चन। एरर के लिए मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं चीजें कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पॉइंट पे आए क्या हम? प्रोडक्ट। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट। मतलब अब देखो यार, कुछ ऐसा पूछा हुआ है कि एक्स क्या है, एक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो हमें क्या फाइंड करनी है? एरर इन एक्स। आइडिया समझ आया हमें क्या करना है? हाँ सर। अच्छा अब ट्रू वैल्यू निकालनी है, वो तो मल्टीप्लाई करके ही निकालोगे ना, तो चलो कर लेते हैं। इसे मैं क्या लिखूंगा? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स एक्चुअल वैल्यू, फिर इसे क्या लिखूंगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, लाइकवाइज ए प्लस माइनस सॉरी बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये हो गया एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब देखना पहले क्या आएगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ठीक। तो अभी पॉइंट क्या होता है कि यार ये जो चीज है ए इंटू बी, ये क्या है एग्जैक्टली, किसके जैसा है? एक्स के जैसा ही है ना, एक्स के जैसा है। ये तो क्या हो जाएंगे दोनों? कैंसिल आउट, कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर बोलूंगा प्लस माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस सब पे लगा ही है, यहाँ पर प्लस माइनस है, ठीक है। हाँ सर। और उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रॉब्लम ये है कि यार ये ए इंटू बी एक टर्म बच रहा है, तो फिजिक्स में क्या करते हैं हम? आप सोचो एक एरर है 0.02 और एक एरर है 0.01, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा बताओ? 0.0002। देख रहे हो, अगर आपने दो छोटे छोटे एरर को मल्टीप्लाई कर दिए तो एरर और ज्यादा छोटा हो जाएगा, छोटे हो जाएगी। सो इसका मतलब वी कैन इग्नोर दिस वैल्यू। सो फिजिक्स में याद रखना कि सर्टेन नहीं है एरर्स की चीजें, एरर क्या है? एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, कैन इग्नोर इट। रीजन समझ आया क्यों इग्नोर किया है? बिकॉज इट इज वेरी वेरी लेस देन वन। डन। अच्छा अब देखना यार, अब क्या ए इंटू डेल्टा बी आ गया यार? यार ए के साथ डेल्टा बी नहीं होना चाहिए ना, डेल्टा बी के साथ अगर क्या होता, बी डिवाइड में होता तो काम बन जाता ना। हाँ। इसका मतलब हम इस इक्वेशन में क्या कर दें? बी का डिवाइड करें, बट ये प्रॉब्लम कर देगा, तो किसका डिवाइड कर दें? ए बी का। तो इसका मतलब हम क्या करें, डिवाइडिंग इक्वेशन बाई ए बी। इक्वेशन बाय ए बी, ए बी, ए बी से हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई
ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले लिया, क्या आएगा यहाँ पर ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी अपॉन ए बी, तो ए क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, समझा, और यहाँ पे क्या आएगा बी इंटू डेल्टा ए, और यहाँ से क्या होने वाला है बी कट, ए बी बी कट हो जाने वाला है, और ये जो ए बी है इसे क्या लिख सकते हैं x, x, जरा नोटिस करो यार ये क्या लिखे हुए हैं ये सारी चीजें, a को पहले ले आते हैं, चलो डेल्टा a बाई a को पहले लिख लिया और b को बाद में, देखो ये सारी चीजें क्या दिख रही हैं, ये रिलेटिव एरर्स दिख रही हैं ना, हाँ सर रिलेटिव एरर, इसका मतलब दोनों तरफ अगर हम क्या कर दें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब ये बन जाएगा क्या डेल्टा x बाई x इंटू 100 प्लस माइनस, ये क्या बनेगा डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई b इंटू 100। तो अब मैं ये समझाना चाह रहा था कि याद है जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हम किस टाइप की एरर निकाल रहे थे डेल्टा x, और यहाँ पर कौन सी एरर डायरेक्टली आ जाती है परसेंटेज एरर, और बस यही लर्न कर लेना है, मतलब बिल्कुल बाय हार्ट कर लो, क्या कि सर जब भी प्लस या माइनस का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या निकाला करेंगे डेल्टा x, और जब भी कभी मल्टीप्लाई या डिवाइड का क्वेश्चन आएगा हम क्या निकाला करेंगे परसेंटेज, इनका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, ये लर्न रखना है कि हमें इसमें डेल्टा एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट ऐड करना है, और यहाँ पे परसेंटेज डायरेक्ट ऐड करना है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है और गिवन कुछ भी हो सकता है, सोचो यहाँ पे डेल्टा चाहिए और क्वेश्चन में गिवन परसेंट है तो कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे डेल्टा गिवन है तो क्या करेंगे परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे फिर ऐड करेंगे, आइडिया लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है एड सब्ट्रैक्ट में हमें क्या पता होता है फॉर्मूला एब्सोल्यूट का, और मल्टीप्लाई डिवाइड में किसका फॉर्मूला पता होता है परसेंटेज का, रेस्ट इज कैलकुलेशन। तो पहले दिमाग में सब लोग सेव करो और मैं एक दो लोग से पूछूंगा कि क्या लर्न करना है, कैसे हमें एरर को सीखना है, चलो कोई आंसर करना चाहता है कैसे हमें सीखना है, कोई आंसर करे, जब भी हमें कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन होगा हम क्या चीज का फॉर्मूला हमें पता होगा डेल्टा एक्स और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो फिर हमें क्या पता होगा परसेंटेज, परसेंटेज लेकिन प्रॉब्लम अगर डेल्टा एक्स दिए तो आपसे परसेंटेज फाइंड करवाएगा, बताओ परसेंटेज कैसे निकाल लेते हैं फिर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इनटू 100। वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया, और जब हमें परसेंट पता होगा तब आपसे डेल्टा एक्स पूछेगा, वो कैसे निकालेंगे x into 100 upon delta, हाँ. x into percent upon x into percent, sorry. ठीक है, ये सिंपल है ना ये आइडिया, हाँ सर वो क्वेश्चन में पता चलता है, पक्का ना, ठीक है, तो चले इन्हें फ्रेम करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं कि जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो हमें क्या पता होता है परसेंटेज इन परसेंटेज चेंज, देखो मैंने परसेंटेज डेल्टा लिखा है मतलब परसेंटेज चेंज इन x इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन a एंड b परसेंटेज चेंज इन बी, ठीक है, और यहाँ पर हम सिचुएशन लिख सकते हैं प्लस माइनस वो तो यूज कर लेंगे एज पर द क्वेश्चन, तो ये चीज हमें यहाँ पर रहेगी, क्लियर, हाँ अगर बाद में डेल्टा चाहिए तो आप फिर अपना कन्वर्ट कर लोगे ना यार, वो तो अभी सिखा ही दिया है ना, तो प्रोडक्ट में हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, तो यार मतलब डिविजन में भी मैं डायरेक्ट लिख दूं या पूरा करने की जरूरत है, यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट लिख दिया है प्रोडक्ट थर्ड फोर्थ डिवीजन, सर डायरेक्ट लिख दो चलेगा, ठीक है, तो डिवीजन में भी क्या होता है अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई फॉर्मूला ऐसे दिया है एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी तो आप पूरा मत सॉल्व करो, आप डायरेक्टली लर्न रखो कि हमें क्या पता होगा सर परसेंटेज इन एक्स, अच्छा क्या होगा परसेंटेज इन ए माइनस परसेंटेज इन बी, अच्छा एक चीज और कई बार क्या होगा राइटिंग में मैं ये डेल्टा बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे ना, ये तो नहीं बोल दोगे सर यहाँ डेल्टा लिखा यहाँ नहीं लिखा, आप समझना कई बार लिखने में मिस हो सकता है जल्दी लिखने में, तो आप ध्यान दे इसका मतलब ये परसेंटेज चेंज इन एक्स और परसेंटेज एरर,
समझ आया ना? यस सर। का मतलब है परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स, और ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनका मतलब है परसेंटेज एरर इन ए और बी, एरर इन ये बी वाले को पिक किया मैंने तो बी, ठीक। तो ये समझ आए, तो क्या यहाँ पर माइनस यूज करेंगे क्या? नहीं, जैसे याद है ना ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों में ही हम मैक्सिमम टारगेट करते हैं ना, तो यहाँ पे भी जब मैक्सिमम टारगेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? प्लस, प्लस ही आएगी। तो इसका मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन एक्स, समझा ना, दोनों पे प्लस वैल्यू ही आएगी, सो परसेंटेज चेंज इन एक्स विल बी प्लस माइनस परसेंटेज चेंज इन यहाँ पर क्या है दो चीजें, x परसेंटेज चेंज इन a प्लस परसेंटेज चेंज इन b। क्वेश्चन के थ्रू इसे और ज्यादा रिलेटेबल बना पाएंगे तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है यार? यहाँ पर क्लियर है ये प्लस हमने क्यों लिया है? प्लस इज यूज्ड बिकॉज टू फाइंड मैक्स पॉसिबल एरर इन एक्स, ओके सर। बस हमने यूज किया मैक्स पॉसिबल एरर फाइंड करने के लिए डिवीजन। अच्छा यार अब सोचो, समझना, एक फिफ्थ नंबर में बहुत ही अच्छा सा एक ऐड करता हूँ यहाँ पे। अगर सोचो पावर इसकी एक्स इज इक्वल टू है ए इंटू ए, तब आंसर क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ ए प्लस परसेंटेज ऑफ ए क्या आ जाएगा? टू टाइम्स परसेंटेज ऑफ ए। यस, गॉट द आइडिया ना? इसका मतलब अगर फॉर्मूला ए स्क्वायर है तो इस टू का क्या करना है? मल्टीप्लाई। सो मुझे लगता है आप लोग समझ गए। यहाँ पर अगर हम बात करें डिफरेंट पावर्स, अगर हम बात करें डिफरेंट पावर्स या एक्सपोनेंट्स है वहां पर, सो डायरेक्टली हम ये बता सकते हैं क्या, लेट से अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्स इज सम ए टू द पावर पी और बी टू द पावर क्यू अपॉन सी टू द पावर आर, तो डेफिनेटली आप समझ गए मैं डायरेक्टली लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन एक्स विल बी और परसेंटेज एरर ऑफ एक्स विल बी प्लस माइनस, अब बताओ क्या होगा, p times a percentage of a percentage of a plus q times percentage of b, yes p times percentage of a, very good very good, q times percentage of b plus r times percentage of c। यार समझ आया कि नहीं यार? अगर डिफरेंट पावर्स हैं तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल मेथड क्या होता है समझाते हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली हम निकाल रहे हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स, बाद में 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा परसेंटेज। फिजिक्स में क्या होता है, जब ये मुझे पता है कि ये वैल्यूज स्मॉल है तभी तो ये आंसर आ रहा है ना, याद है ना वो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को इग्नोर कर दिया था तब ये इस टाइप के आंसर्स आ रहे हैं। मतलब ये आंसर्स कब के लिए वैलिड है? ओनली फॉर स्मॉल एरर्स के लिए वैलिड है, ओनली फॉर स्मॉल एरर्स। तो यार आप समझो, समझना थोड़ा सा, मैं आगे बताऊंगा कि जो डेल्टा एक्स बाई एक्स है इसको फिजिक्स में एक नई क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं चेंज इन वाई तो इसे हम लिख सकते हैं डी एक्स बाय एक्स, क्या लिख सकते हैं डी। फिजिक्स में डी का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। डेल्टा का मतलब होता है चेंज और डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, ये समझा कि नहीं? डेल्टा का मतलब चेंज और स्मॉल डी का मतलब क्या? वेरी स्मॉल चेंज, ठीक। इसे सॉल्व करने की टेक्निक होती है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा, ये चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक।
कि ये डी कैसे सॉल्व करते हैं फिजिक्स में. ओके तो सोचो आपको एक्स स्क्वायर गिवन है और आपको इसका डी एक्स फाइंड करना है, तो इसके डी एक्स की वैल्यू पता है कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी टू टाइम्स ऑफ एक्स. ये आ जाएगी. ये कैसे आएगी ये मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आपको सिखाने वाला हूँ. तो इसका एक इजी, मतलब इजी नहीं कह सकते, ऐसा कुछ इजी नहीं है, ये मेथड ही इजी है. इससे इजी कुछ होगा क्या यार? पावर को बाहर मल्टीप्लाई कर दोगे? नहीं. इससे इजी भी कुछ होगा क्या? वो इजी नहीं है, एक डिफरेंट मेथड है. तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बुक्स में आपको सोल्यूशन में दिख जाएगा तो आपको लगेगा अरे सर ने ये सिखाया नहीं है. डेफिनेटली सिखाने वाले, आगे सिखाएंगे वो. ठीक है. ओके तो वापस आते हैं एग्जाम्पल सॉल्विंग पे, फोकस करते हैं कि कैसे ये एग्जाम्पल्स पिक करने वाले हम एरर के. ओके ठीक है. तो स्टेप वाइज मूव करते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आ गया था? एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ आ गया था ना? यस सर. चलो नेक्स्ट क्वांटिटी फाइंड करते हैं. फाइंड द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल having, so find the momentum of particle having mass. So let's say उसका mass आपको given है m, मतलब mass given है let's say 20 plus minus 0.4, ये given है, this many kg. क्यों? क्योंकि अगर gram दे दूंगा तो अभी फिर से उसे m के unit में लाने का try करेगा. तो particle की जगह यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? Object. Find the momentum of object having mass this and speed, let's say speed 30 plus minus 0.15 meter per second, ये लिखा हुआ है. ठीक है, हमें इसका momentum बताना है. तो क्या करना पड़ेगा हमें? चले सबसे पहले हमें क्या सोचना पड़ेगा, हमें जो क्वांटिटी फाइंड करनी है वो किस लॉ को फॉलो कर रही है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या पावर्स? समझ आया क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना होता है? हाँ सर. ओके यस. ओके ठीक है. जस्ट मिनट, होल्ड ऑन एवरीवन, जस्ट मिनट. Yeah. Okay. So, find the momentum of object having mass this and speed this. तो हमें सबसे पहला step क्या सोचना है? क्या सोचना है बताओ? कि जो हमारा minus लिखा गया. Yes. कि वो formula plus से काम आएगा, minus से, multiply से, divide से, power से. अच्छा, मैं भी question कर रहा हूँ, mix भी हो सकता है. यार physics है ना, एक ही जरूरी थोड़े ना symbol होगा. Plus भी हो सकता है और मल्टीप्लीकेशन. तो अभी देखेंगे अपन कि अगर दोनों है तो क्या करेंगे, इससे अलग से सॉल्व करेंगे, इससे अलग से, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे. या फिर सिंपल सी बात है कि प्लस वाले को अलग से सॉल्व कर लो, फिर तो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना. समझना, ए प्लस बी इंटू सी किया मैंने, तो क्या हो गया इसका मतलब? ए प्लस बी अलग से सॉल्व कर लो, वो बन गया कुछ क्या? ए प्लस बी अलग से, वो बन गया डी, डी इंटू सी, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो. आइडिया समझा? यस सर. अच्छा वापस आते हैं. अभी मेरा कहने का पर्पस ये है कि पहले आपको सोचना है कि कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, फिर देखना है कि किस ऑपरेटर में एरर कैसे निकालते हैं. नॉर्मल सॉल्विंग वही रहेगी, एक्चुअल वैल्यू अगर प्लस है तो प्लस से, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो करो. क्या चेक करेंगे? अगर प्लस है माइनस है तो अपन क्या फाइंड करेंगे? Absolute error. Very good. और अगर multiply, divide या power है तो अपन क्या find करेंगे? Percentage error. हम बन गया, समझ आ गया तुम लोग को. तो बताओ question किसका है? Multiply का है, divide किसका है? Multiply का है. Multiply. हमारा target होगा percentage. But क्या question में percentage दिया है क्या? नहीं. नहीं. Find कर लेंगे. समझ आया ना? Yes. हाँ sir. चले. अभी सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी देखते जाएंगे.
तो मोमेंट अगर इसका मोमेंटम निकाले पी, तो पी कैसे डिफाइन है, एम इन टू वी से. तो पहले तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ पी तो निकालोगे ना, नहीं तो फिर आंसर क्या निकाल रहे हो. तो पी विल बी क्या हो जाएगा, 20 इनटू 30 क्या हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड. अच्छा अच्छा केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है. अब हम क्या निकालेंगे, एरर. क्या निकालेंगे, एरर. सो एरर इन पी. अब देखना, अब मैं सबसे पहली लाइन ये लिखूंगा कि मुझे दोनों की एरर पता है एब्सोल्यूट, तो क्या मैं ये लिख दूं, डेल्टा पी विल बी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एम प्लस डेल्टा वी. क्या ये लिखूं, नहीं नहीं ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है. ये हमें ध्यान देना है कि कब हमें क्या यूज करना है. इसमें हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज इन पी विल बी परसेंटेज इन एम प्लस परसेंटेज इन वी. ठीक है. अब यार परसेंटेज इन एम वी ये सब निकाल लो, परसेंटेज इन पी कितना आ जाएगा. अब देखो क्या, प्लस माइनस परसेंटेज इन एम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज याद करो, 0.4 अपॉन 20 इनटू 100. वेरी गुड यार, सही है, बहुत ही बढ़िया. क्या 0.4 अपॉन 20 इनटू 100 प्लस ये क्या हो जाएगा दूसरा वाला वी, 0.15 अपॉन 30 इनटू 100 इनटू 100. बहुत ही बढ़िया. चलो इसका मतलब आ गया ना आंसर, समझ आया. हां सर. सो परसेंटेज एरर इन पी कितनी आ गई, ये सॉल्व किया कितना हुआ, जीरो कैंसिल हुआ, 5, 2 और ये कितना है, 0.5%. 0.5%. तो आंसर कितना आ गया, 2.5%. सो ऑफ कोर्स डेफिनेटली फाइनल आंसर आप लिख सकते हो 600 प्लस माइनस 2.5%. बट पता है होता क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे लिख के दिया है तो आपसे आंसर में भी इसी तरीके से एक्सपेक्ट करेगा. तो आपको इसका मतलब आप परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, समझ आया. सो देन डेल्टा पी क्या हो जाएगा, पी का परसेंटेज निकालेंगे, समझ आया ना. पी कितना था, 600 इनटू 2.5 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया, 6.25. समझ आया या नहीं, 15. हाँ सर. पक्का सबको क्लैरिटी आ गई. तो फाइनल आंसर क्या होंगे, दो लिख देता हूँ. आप एग्जांपल में, आप ऑप्शन में कुछ भी देख सकते हो, बट यूजुअली क्या होता है एग्जांपल में, आंसर में जो क्वेश्चन में दिया वैसा ही आंसर में एक्सपेक्टेड होता है. ओके, सो डेफिनेटली फाइनल रिजल्ट दो रहेंगे. क्या, 600 प्लस माइनस 2.5% ये रहेगा, और 600 प्लस माइनस 15. यस, आप देख लो कि कौन सा आपको पूछ रहा है. बताओ यार पक्का ये आइडिया समझ आया या नहीं. यस सर. पक्का एक बार इसे फिर से पूरा दिखाऊं या क्लियर है, अब आप खुद से क्वेश्चन कर लोगे. क्लियर है. मैं अगर एग्जांपल. ओके, वेरी गुड, वेरी सर. एक बार फिर से बताएंगे. चलिए ठीक है, फिर से एक बार इसे देख लेते हैं थोड़ा सा. चीजें क्या है, फिर से स्टार्टिंग करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है. चलो कोई स्टूडेंट बताओ फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चेक करेंगे. चेक करेंगे कि क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर. समझ आया क्या फर्स्ट स्टेप. हाँ सर. ओके, अब कई बार दो भी हो सकते हैं. मैंने समझाया कि एक को पहले सॉल्व करेंगे फिर दूसरे को, ठीक है. वापस आते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक्चुअली ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे ना पहले. हाँ, ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे. तो ट्रू वैल्यू मतलब जो फॉर्मूला दिया है उसमें रख के निकालेंगे. सो यहाँ पर ट्रू वैल्यू क्या है, 20. यहाँ पर ट्रू वैल्यू है 30. हमने अपने मोमेंटम की भी ट्रू वैल्यू निकाल ली. क्लियर ना. यस सर. अब एरर कैलकुलेशन करेंगे. एरर कैलकुलेशन में रूल होता है कि अगर प्लस या माइनस से फॉर्मूला रिलेटेड है तो हम डेल्टा वाली एरर ऐड करते हैं, डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर. बट जब मल्टीप्लाई या डिवाइड है तब ये वाली एरर नहीं यूज, नहीं ऐड करते, परसेंटेज एरर यूज करते हैं. यस, तब ये वाली एरर कैलकुलेट करते हैं. और यार अब ये तो पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता होगा तो आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है. क्या, अगर परसेंटेज निकालना है तो होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100.
ये क्या है, चेंज अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, और अगर चेंज निकालना है तो ट्रू वैल्यू इनटू परसेंट अपॉन 100. ये दो चीजें पहले यार सबसे पहले क्लियर करो, अगर ये नहीं पता तो फिजिक्स आपको टफ लगने लगेगा. फिजिक्स ऐसा टफ नहीं है, बात यह कि आप चीजें लर्न नहीं करते हो, फिर आप बोलोगे सर क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा. यार क्वेश्चन समझ कैसे आएगा आपको जब ये नहीं पता कि परसेंट निकालना कैसे, तो आप क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं समझ आएगा. यार क्लियर है कि नहीं यार सब लोग? यस सर. क्वेश्चन समझना सेकेंडरी है, पहले तो कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, तब आप क्वेश्चन सॉल्विंग समझ पाओगे. तो मुझे लगता है सारे स्टेप्स सबके माइंड में, पहले चेक करना है, ट्रू वैल्यू निकालनी है, फिर एरर सॉल्व कर देना है. तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग ट्राई करें और आंसर चैट बॉक्स में करेंगे. कोई भी पब्लिकली आंसर नहीं करेगा, आंसर नहीं बताएगा. जिसका सॉल्व हो जाएगा वो चैट बॉक्स में आंसर कर देगा. ओके, याद रखना है फाइनल आंसर ऐसे दिखना चाहिए. ठीक है? यस सर. हाँ, और चैट बॉक्स में प्लस माइनस कैसे लिखोगे? नहीं लिख पाओगे तो सिर्फ प्लस लिख दो चलेगा. ठीक है? ओके सर. हाँ चले. ओके एवरीवन सॉल्व इट. यार डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता है, या लिखूं? पता है सर. चलो ठीक है, तो मैं लिख देता हूं. डेंसिटी डी रो होता है एक्चुअली, बट रो बार बार लिखने में तुम लोग को टेंशन आ सकता है. चलो कोई बात नहीं, लिख लो. ये होता है मास ओवर वॉल्यूम. चलो सॉल्व करें फास्ट. आंसर इट इन द टेक्स्ट बॉक्स. सर राउंड ऑफ करो कैलकुलेशन किस हुआ? यार राउंड ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बहुत ही सिंपल चीजें दी हैं. वेरी गुड कार्तिक, करेक्ट आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड ईशा. अरे प्लस माइनस लिखने का ऑप्शन होता है क्या कार्तिक? हाँ सर. अच्छा, ओके ओके, मैंने कभी नोटिस नहीं किया. मतलब एक मिनट, कैसे ऐसा ऑप्शन होता है यार प्लस और माइनस जिसमें साथ में लग जाता है? पता नहीं सर. मतलब क्या जब आप टाइप करते हो तो क्या कैलकुलेटर में ही सिंबल होता है क्या प्लस अपॉन माइनस? कीबोर्ड पे है. अच्छा कीबोर्ड पे है वो. ओके ओके ठीक है. नीरल इट्स नॉट करेक्ट. शिवदत्त वेरी गुड. अर्णव गुड. सबसे फास्ट आंसर है हमारे पास कार्तिक, ईशा, शिवदत्त, नीरल चेक अगेन,
अर्णव वेरी गुड, बाकी लोग यार सॉल्व करें। ओके टाइम इट्स इनफ आई गेस, काफी टाइम हो गया, चले सॉल्व करना पड़ेगा हमें खुद ही। एक बार सब लोग देख ले यार जिन लोगों ने सॉल्व किया है, जिनका आंसर नहीं आया है चेक अगेन। ओके काफी टाइम हुआ, देखे क्या गलतियां कर रहे हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं बहुत सारे लोग अपने आंसर्स में। देखें हमें पहले एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना डेंसिटी की, वो क्या होगा मास, मास कितना है 30 अपॉन डेंसिटी कितनी है एक्चुअल वैल्यू 0.5। तो क्या आप ये डिवाइड नहीं कर पा रहे हो क्या यार, पॉइंट ऊपर जाएगा क्या बनेगा 300 अपॉन 5 कितना आ गया 60। ये इतना टफ था क्या, बहुत सारे लोगों ने ये 60 नहीं निकाला, ये आ गया क्या पार्ट। अभी नेक्स्ट क्या निकालेंगे अपन, परसेंटेज। यस सो एरर कैलकुलेशन क्या निकालेंगे, एरर इन डेंसिटी। सो मुझे पता है यार कि ये रेशियो क्या है, मतलब डिवाइड वाला क्वेश्चन है, तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी विल बी परसेंटेज एरर इन एम प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। डन, अब देखना परसेंटेज एरर इन रो विल बी, क्या एम का परसेंटेज एरर दिया है क्या, नहीं तो एम का सॉल्व करेंगे यार 0.6 अपॉन 30 इनटू 100। बताओ ये नहीं समझ आया क्या तुम लोग को, कितनी बार कहा ना फिजिक्स समझ नहीं आएगी, सच में फिजिक्स समझ नहीं आएगी अगर आप उसके छोटे छोटे पीसेस लर्न नहीं करोगे अभी से। सो ये ध्यान दो, कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ ईजी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपने लर्न किया कि यार ठीक है परसेंटेज कैसे निकालते हैं या फिर एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, तो तुरंत काम बन जाएगा। प्लस क्या वी का निकालने की जरूरत है क्या हमें कुछ, नहीं वी का डायरेक्टली देखो दे दिया मैंने 4%, सो वी का डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख दिया। यार इसे सॉल्व करेंगे सो ये क्या आएगा 550 मतलब 2। तो यार अब ये डिवाइड वगैरह तो सॉल्व करना आना चाहिए, ये नहीं बताएंगे हम। सो ये हो गया कितना 2% प्लस 4%, सो ओवरऑल एरर कितना आ गया परसेंटेज एरर 6%। सो परसेंटेज रो केम आउट टू बी 6%। बट मैंने बताया कि यार दोनों आंसर मैसेज करने हैं, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट ने सिर्फ एक आंसर पहले मैसेज किया हुआ था, तो दोनों आंसर मैसेज करने हैं, मतलब हमें डेल्टा रो भी फाइंड करना पड़ेगा। डेल्टा रो कैसे आ जाएगा बताया, 6% फाइंड करना है ना, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है 60, काम बन गया 60 इनटू 6% अपॉन 100 100, सो कितना आ गया 3.6। सो दीज आर द फाइनल टू रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स, ठीक है। ओके फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, रो डेंसिटी का आंसर आ जाएगा 60 प्लस माइनस 6%, एक आंसर ये हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं 60 प्लस माइनस 3.6। यार बताइए एरर समझ आया या नहीं? यस सर डेफिनेटली। ओके अच्छा एक चीज और मैं मैंने देखा यार काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया, काफी ने नहीं किया, बताया आप लोग को क्रोम स्क्रीन दिख रहा है यार, क्रोम मैंने शेयर किया हुआ है, दिख रहा है सर? इसमें देखें नया फीचर एक ऐड किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं। सो अगर हम बात करें तो इसमें आप एक ऊपर नया ऑप्शन देख रहे हैं गेट रैंक करके, दिखा आपको रेड कलर बॉक्स? हाँ सर। ओके सो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि उनका रैंक क्या है, ऑल्दो नोटिफिकेशन जाता है बट अगर आप देखना चाहें तो अभी आपको अपना इंडिविजुअल रैंक पता चलेगा। जैसे मैंने अमित राज का ओपन किया हुआ है, तो अमित राज का रैंक आपको दिख रहा है इट इज 2 out of 30। ओके मतलब मैथ्स पीसीएम वाला पेपर 30 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया हुआ है, उसमें सेकंड रैंक है। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं ओवरऑल रैंक, सो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट है ईशान, फिर अमित राज, आयुष, नीरल, ईशा, क्लियर। अब अभी एक पॉइंट है, आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो आगे, सो आगे सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो। मैं फिजिक्स में क्लिक करूंगा, सो आई विल सी द टॉपर्स ऑफ फिजिक्स टॉप 5।
सो आप फिजिक्स में देखोगे तो अमित राज को हाईएस्ट है 96, फिर आयुष 92, फिर ईशा 91, ईशान 90, अनूप 90, क्लियर। लाइकवाइज आप सब्जेक्ट वाइज भी मैक्स मार्क्स देख सकते हो, ठीक है ना। यार क्लियर, हाँ। सो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि किस सब्जेक्ट में टॉप कितना जा रहा है। और नंबर टू यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी भी मुझे लगता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स लोग, मैं ऐसा किसी को नेम नहीं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफकोर्स सब करते ही होंगे, बट बहुत चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट लोग अभी भी हेल्प लेते हैं। लाइक टेस्ट के टाइम पे नोट्स देखना, गूगल करना, ऐसा मत करें, समझ रहे हो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आप टॉप में आना चाहते हो, सारे स्टूडेंट्स को यार पता होता है कि कौन टॉप में आ रहा है। आप समझो, आप क्लास में सही आंसर देते हो, आप सारी चीजें आंसर अच्छे से कर रहे हो, मतलब आपको ठीक आ रहा है। अभी नहीं तो आप आफ्टर 2-3 टेस्ट आप इम्प्रूव कर जाओगे, बट भाई चीटिंग अगर आप मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो उतना बेटर नहीं है कुछ, ठीक है ना। सो थोड़ा सा ध्यान दें कि इट्स बेटर कि आप लर्न करें, सीखें, मार्क्स कम मिलता है, नो प्रॉब्लम, आफ्टर 5-6 टेस्ट आप इम्प्रूव कर जाएंगे। और आप स्टार्टिंग से ही गलत हैबिट्स डालेंगे तो इम्प्रूव नहीं करोगे यार कभी, ठीक है ना। चले अच्छा, एक चीज और, मैं स्टार्टिंग में मैं लिख रहा था, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, कि जब हम प्रोडक्ट वगैरह का सॉल्विंग कर रहे थे तो एक टर्म आया था कि हम इग्नोर कर रहे हैं इसे, इसका मतलब ये होगा तो। बट मैं यहाँ पर फिर से कि स्टार मार्क वाली बात बताता हूँ क्या, कि ऑल दीज फॉर्मूलाज आर वैलिड फॉर स्मॉल चेंजेस। ओके जस्ट अ सेक, गिव मी अ मिनट। So, this is valid for small errors, I'll say less than 10%, clear na? क्यों समझना आप? लेस देन 10% मतलब कैसा दिखेगा फ्रैक्शन में? अगर आपने लिखा है 15% तो फ्रैक्शन में क्या करोगे, डिवाइड बाय 100, मतलब क्या दिखेगा आपको? 0.15। तो जब आप ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत छोटा वैल्यू नहीं आएगा। बहुत छोटा वैल्यू कब आएगा? जब ये 6% है। सो इसे लिखोगे 0.06, अब इंटू करोगे 0.03, अब आपको दिखेगा बहुत ही स्मॉलर नंबर। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या कर लो, 25% ले लो, तो क्या आएगा 25 into 25, ये क्या आ जाएगा 0.0625। इतना भी छोटा नंबर नहीं है, 0.6 मतलब 6% आ रहा है ना नियर अबाउट, इतना भी इग्नोर करने वाला नंबर नहीं है। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है यूजुअली? बहुत छोटा नंबर, मतलब नियर अबाउट आप सोच सकते हो 10% से कम में चलेगा। मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अगर एरर 10% से ज्यादा है तो क्या ट्रिक करेंगे, बट अभी के लिए पहले आप ये समझ लें। तो हम क्वेश्चन सॉल्विंग और करते हैं, और एग्जांपल एक देखें, नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करें आप लोग। हाँ yes. और आंसर इसका चैट बॉक्स में ही करना है। ओके सर,
हाँ सर, इस फॉर्मूला इज मास इनटू स्पीड ना, क्या इसका फॉर्मूला क्या है सर? काइनेटिक, अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं याद, पूरा डायमेंशन पढ़ लिया। चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं यार। ये फॉर्मूला होता है हाफ इन टू एम इन टू वी स्क्वायर। अच्छा क्या क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू पूछी है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ एरर पूछा है। बट मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला है ना, तो हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज। लेकिन percentage. वापस से जब परसेंट से एब्सोल्यूट निकालोगे तो ट्रू वैल्यू चाहिए ही पड़ेगी ना। तो क्वेश्चन देख के समझना है, कि कई बार ऐसा नहीं होगा कि मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा सुनो एक मिनट, अगर परसेंटेज एरर पूछा होता तो अब क्या एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी पड़ती क्या? नहीं डायरेक्टली ऐड कर, नहीं डायरेक्ट क्यों? तो अब ये चीजें आप क्या करोगे, ये चीजें आप क्वेश्चन सॉल्व जब इस नोट्स को आप एक बार बहुत अच्छे से फिर से रीड करोगे तो ऑब्जर्व करना है, ये चीज सीखोगे कि जब हमें चाहिए पड़ेगा क्या डेल्टा एक्स एक्चुअल एरर और हमने सॉल्व की परसेंट एरर, तो आपको एक्स चाहिए होगा ना फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में परसेंट ही पूछा है तो फिर नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो यहां पर मैंने क्या पूछा हुआ है, फाइंड द एरर। तो अभी आपको पता नहीं कि परसेंटेज पूछा या क्या पूछा है, तो आप दोनों एरर फाइंड करो, परसेंट भी और वैल्यू भी। ओके ओके, नॉट करेक्ट, कार्तिक नॉट करेक्ट, ईशा नॉट करेक्ट, शिवदत्त नॉट करेक्ट। यार बहुत सिली मिस्टेक की ईशा, शिवदत्त तुम दोनों ने बहुत सिली मिस्टेक की। सानिका नॉट करेक्ट, प्रसन्न नॉट करेक्ट। यार यार सब लोग बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हो, बहुत ही सिली। एक बार तुरंत क्रॉस चेक करें। तनुजा नॉट करेक्ट, ओके ठीक है ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर देखा, मुझे दिख गया आंसर। आई गेस एक मिनट चेक करने दें। या ईशा और शुदत्त का आंसर करेक्ट है, प्रसन्न का भी आंसर करेक्ट है। थ्री स्टूडेंट हैज गॉट द करेक्ट आंसर, ईशा प्रसन्न और शिवदत्त। चले देख लेते हैं क्या गलतियां हुई हैं, चले क्रॉस चेक करें क्या गलतियां हुई हैं, चेक करें। सबसे पहले तो हमें ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है, इस बार अभी करना पड़ रहा है क्योंकि हमें दोनों टाइप के आंसर देने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम कितना है टू और स्पीड कितना है, तो क्या आंसर आ गया 100 जूल या केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है 100 जूल। अभी हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर। सो एरर इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, आई कैन से एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें कौन सी एरर पता होगी इसका मतलब, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो नंबर है क्या इसकी कोई एरर होती है क्या? नहीं नहीं, तो नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ने पता है क्या किया है, परसेंटेज इन के, परसेंटेज एरर इन के इट विल बी, क्या इस हाफ को लेंगे क्या यहाँ पर? नहीं नहीं, ये ध्यान देना है कि इस हाफ की एक फिक्स वैल्यू है, इट हैज नो एरर। तो ये जो नंबर्स होते हैं फॉर्मूले में इसकी कोई एरर नहीं होती, ये फिक्स वैल्यू है।
इट्स अ कांस्टेंट। ठीक चले, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन एम प्लस M। अब यार आपने गलती कर दी, बहुत सारे लोगों ने परसेंटेज इन वी कर दिया, क्या परसेंटेज इन वी करेंगे क्या, कुछ और मिसिंग है क्या, क्या मिस हुआ पावर। ये क्वेश्चन, अरे पहले एक मैंने मल्टीप्लाई का कराया, एक मैंने डिवाइड का कराया, तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, पावर का होगा। जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो, बट आप समझो। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का इनटू 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यार समझ आया नहीं, बताओ। यस सर, ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट टाइम किसी को गलती नहीं होगा। परसेंटेज एरर इन के विल बी परसेंटेज इन एम, चलो देखें हमको कैसे निकालेंगे, कितना है 5%, अरे ऑलरेडी दिया है, कितना 5% दिया है, प्लस 2 टाइम्स इसकी एरर निकालनी पड़ेगी, कितनी है, नहीं दिए ना 0.0, नहीं परसेंट, अच्छा, नहीं है परसेंट, ये दिया, सो इसे कन्वर्ट करेंगे ना, 0.02 अपॉन 10 इनटू 100, ये कितना आएगा 0.2 आ जाएगा, कितना 0.4, तो आ जाएगा 5% प्लस 0.4%। तो जिन्होंने ये 2 मिस किया उनका आंसर गलत आया है, सो नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहेंगे, किसको लेके, पावर को भी ध्यान देंगे। तो परसेंटेज एरर इन के कितनी आ गई, 5.4%। अब अगर हमें डेल्टा के चाहिए तो क्या करेंगे, के का परसेंट निकालेंगे, यस, तो के कितना आया था 100, तो 5.4% कितना आएगा, 5.4 ही आने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं, 100 के लिए कुछ भी टेंशन नहीं होता। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वो क्लियर है, 100 प्लस माइनस 5.4% और 100 प्लस माइनस 5.4, वैल्यू भी 5.4 ही है, जूल। यार बताएं पावर वाला भी सिनेरियो समझ आया या नहीं, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन देगा, कई बार आपको स्ट्रेट भी दे सकता है क्वेश्चन, कैसे स्ट्रेट क्वेश्चन कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके का हो सकता है, देखेंगे। फाइंड एरर इन एक्स इफ एरर इन ए B and C are 2%, 3% and 1% given, आपको x given है कुछ इस तरीके से, a square by c cube, cube नहीं, ए स्क्वायर बी बाई रूट सी, ये गिवन है फॉर्मूला। समझ आया कि नहीं यार, फॉर्मूला कुछ रैंडम सा गिवन है और हमें क्या दे दिया, सबका परसेंटेज एरर। तो यार समझ गए, चलो जल्दी से फाइंड करके आंसर टेक्स्ट करें, चैट बॉक्स में आंसर करें, देखें कितने लोग समझ पाए इसे। कार्तिक नॉट करेक्ट, वेरी गुड ईशा, अर्णव नॉट करेक्ट, स्वयं नॉट करेक्ट, प्रसन्न वेरी गुड, शिवदत्त वेरी गुड, ओके, बहुत ही इजी था यार, बहुत ही इजी था। देखो पावर्स एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला सिनेरियो चल रहा है ना, सब लोग पावर मल्टीप्लाई डिवाइड सिर्फ यही वाला सिनेरियो चल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको पहले लिखना है फॉर्मूला, वो क्या है, ए स्क्वायर इंटू बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ सी। सो क्या करना होता है, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है ना, सो परसेंटेज एरर इन एक्स क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर है तो क्या होगा, टू ए स्क्वायर परसेंटेज, टू टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ ए, समझा,
ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ ए प्लस बी पे कुछ मल्टीप्लाई है क्या? नहीं नहीं, तो ये होगा सिंपल परसेंटेज ऑफ बी प्लस सी में देखो क्या लगा है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितनी होती है? 1/2। तो ये केयरफुल रहना है, सो इसका मतलब हो गया पावर 1/2 इनटू परसेंटेज ऑफ सी। अब यार देखो कर आराम से, काम बन गया क्या? 2 × 2 प्लस 3 प्लस 1/2 इनटू सी कितना है 1%। ओके ठीक है, तो ये एरर्स को मैंने ब्रैकेट में रखा, टेंशन नहीं हो। तो 2 × 2 = 4 प्लस 3 = 7 और ये 0.5, क्या आंसर आ गया? 7.5 परसेंटेज एरर इन एक्स इज 7.5%। कोई डाउट क्या इसमें बताओ यार? सर या सर पावर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेते हैं ना मल्टीप्लाई करते समय? हाँ ओके, अपॉन वाला थॉट देते ना, ये अपॉन में है सो ऊपर ले जाने पर नेगेटिव होगा ही नहीं, वो समझा? और स्मॉलर वैल्यू अगर ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं क्योंकि वी आर सॉल्विंग फॉर मैक्सिमम एरर। ओके यस सर। हाँ और क्वेश्चन शीट में रहेंगे, क्वेश्चन कुछ आपको ऐसे बुक्स में आएंगे जहां पे मे बी आपको मैक्सिमम एरर नहीं पूछे, मतलब क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली बोल देगा कि मतलब मैक्सिमम एरर मत देखो, थिंक अबाउट नॉर्मल एरर। मतलब सोचो ए में की मैंने 5% की एरर और अपॉन बी में भी की 5% की एरर, तो दोनों एरर क्या होने वाली हैं? कैंसिल आउट। वो तो जब हम इसे देखेंगे कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो 5 भी तो प्लस माइनस है ना और ये भी तो प्लस माइनस है, तो इसका मतलब मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि ए से 5 प्लस हुआ और बी से 5 माइनस हुआ, तो कैंसिल होगा क्या? नहीं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर में हमेशा ऐड अप होते हैं। क्वेश्चन आपको देखेगा बुक में, जब हम डिस्कस करेंगे शीट में तो आ जाएगा। बताए यार यहाँ तक क्राइटेरिया समझ आया कि नहीं अभी एरर का? यस पक्का। ये पावर वाला, अच्छा बताओ इनमें से किसकी किस वैल्यू का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एरर में? एक है डेफिनेटली, इसका स्क्वायर है, पावर मल्टीप्लाई हो रहा है डेफिनेटली। ठीक है चलो, तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने एड सबट्रैक्ट कल ही कर लिया था, एड सबट्रैक्ट कल कर लिया था, आज हमने मल्टीप्लाई डिस्कस किया, डिवाइड डिस्कस किया और फिर पावर डिस्कस किया और फिर डायरेक्टली परसेंटेज वाला भी देखा। अभी नेक्स्ट क्या बचा हमारा? मिक्स्ड। चले मिक्स्ड देख लेते हैं, तो मिक्स्ड सॉल्व कर लेते हैं। देखें एग्जांपल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टर्स resistors 20 plus minus 2% and 50, yeah let's say इसे 50 कर लेते हैं, थोड़ा easy कर लेते हैं, plus minus 100 2% 5 कर लेते हैं, 5% are connected in parallel, clear? समझ आया? तो पैरेलल में भी क्या होने वाला है? पैरेलल में यार सब आने वाला है आपको सॉल्विंग में, देखना। तो यार सबसे पहले मैं निकालूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला, क्या होता है पैरेलल में? 1/R2। तो देखना फार्मूला क्या बनेगा, आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो देन आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या बनेगा? R1 plus R2। अब देखो प्रॉब्लम हो गई ना, R1 R2 भी आ गया, डिवाइड भी आ गया और R1 plus R2 भी आ गया, तो हमें किस चीज को एज्यूम करके पहले अलग से सॉल्व कर लेना चाहिए और फिर पूरे को? पहले R1 plus R2। वेरी गुड, समझ गए क्या करना चाहिए हमें? पहले इसे कुछ एज्यूम कर लो, कोई नई चीज X, और फिर काम बन जाएगा। समझ आया ना? हाँ सर। ओके, सो हमें
चाहिए यहाँ पर क्या, इसका मतलब हमारा आंसर हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ एज्यूम एक्स। तो देखना, देखिएगा आप लोग, इसका मतलब फाइनल आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है आर वन आर टू बाई एक्स। अब क्या होगा, इसका परसेंट, इसका परसेंट, इसका परसेंट, मतलब इनका तो परसेंट ही पता है, सिर्फ हमारा टारगेट क्या है एक्स का परसेंट निकालना। अब यार यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, जल्दीबाजी कर देता है, बताओ परसेंटेज इन एक्स क्या आएगा, टू प्लस फाइव सेवन आएगा क्या? वेरी गुड यार, समझ आ गया यार, मुझे लग रहा है आ गया, बहुत ही अच्छा। यही चीज यार सबको समझना है कि थोड़ा पेशेंस रखना है, अभी ऐड दे दिया तो मतलब ये नहीं है कि उसकी परसेंटेज एरर ऐड करा दो, नहीं, ऐड में हमें क्या पता होती है, एब्सोल्यूट एरर। तो बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करूंगा क्या, एक्स इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अच्छा पता है जब आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो मे बी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में बुक्स में अलग अलग दे देता है, एक साथ ही रख देता है, तो वो आपको टेंशन नहीं लेने लग जाना है उसका, आराम से समझेंगे इसे कि हमें क्या पता है इसका मतलब इस क्वेश्चन में, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वन डेल्टा आर टू। तो कैसे आ जाएगा डेल्टा आर वन बताओ, निकालेंगे, समझ आया ना, टू बाई फिफ्टीन टू हंड्रेड प्लस ये कितना है फाइव, फाइव बाई हंड्रेड इंटू हंड्रेड, तो टोटल कितना परसेंट आ गया, मतलब सॉरी कितना आ गया डिफरेंस, फोर प्लस ये कितना आ गया फाइव, टोटल कितना आ गया नाइन, जबकि हमें क्या चाहिए परसेंटेज, एक्चुअल वैल्यू चाहिए होगी ना एक्स की भी, तो एक्स कितना हो जाएगा देखना, आर वन था फिफ्टी आर टू था हंड्रेड, एक्स कितना है 150. अब काम बन गया, अभी आपको सब समझ में आ गया, तो अब डायरेक्टली लिख सकते हैं ना परसेंटेज एरर इन एक्स आर, समझा सर? वो डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट किया वो नहीं समझा, मतलब 2 अपॉन 100 इनटू 50 आएगा ना परसेंटेज, नहीं ये 50 है ना ये 2 के साथ, हाँ ओके ओके, 2 अपॉन एक्चुअल वैल्यू कितनी है 50 इनटू ये 100% वाला है ना, हाँ समझा, या ओके ठीक है। सो यहाँ पर वापस आते हैं, या व्हाट 50 प्लस 100 कहाँ पे हुआ, ये और ये वैल्यूज दी है ना क्वेश्चन में आर वन और आर टू की, हम क्या करते हैं दोनों चीजें सॉल्व करते हैं ना, एक्चुअल वैल्यू और एरर ना, समझा? यस हाँ ठीक है, चले तो अभी सॉल्व कर लेते हैं देन फॉर आर इक्विवेलेंट, फॉर आर इक्विवेलेंट चलो अब डायरेक्ट लिखेंगे, ये हुआ आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, जिसे मैंने लिखा है क्या आर वन आर टू अपॉन एक्स, तो देखना आंसर क्या होगा, परसेंटेज एरर इन आर विल बी, आर इक्विवेलेंट विल बी परसेंटेज इन आर वन प्लस परसेंटेज इन आर टू प्लस परसेंटेज इन एक्स, बस यार वेरी गुड यार, बस हो गया आंसर, बताओ परसेंटेज इन आर वन कैसे निकालेंगे, अच्छा दिया ही है सर, दिया है दिया है, ठीक है ठीक है, हाँ। अगर नहीं दिया होता है तो फिर निकालते हैं, हाँ? हाँ। तो दिया है, ये कितना हुआ 2% प्लस ये कितना है 5% प्लस ये कितना है, ये निकालना पड़ेगा, 9 नहीं है निकालना पड़ेगा, 9 इज वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू, सो कैसे निकालेंगे 9 by 150 into 100 यार ये सच में समझ आया कि नहीं यार सबको, हाँ सर पक्का, चले अच्छा ये चीजें क्या है थोड़ा सा अभी फर्स्ट टाइम है आपको तो मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, आप एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है? यस सर, हाँ चले तो यार थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसे क्या आएगा 3 से कट करेंगे, ये आ गया क्या 50, ये आ गया 3 और ये 2 6 आ गया ना, टोटल कितना आ गया 13% पक्का डेफिनेटली सबको समझ आ गया ना परसेंटेज एरर इन आर निकालना। अब सोचो एब्सोल्यूट एरर पूछ लेता क्वेश्चन में,
तो क्या करना पड़ता, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू भी निकालनी पड़ती ना, वैल्यू निकालनी पड़ती। यस वेरी गुड। तो अभी हमें क्या करना पड़ता, चलो एक्चुअल वैल्यू भी निकाल लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है, आर इक्वल निकाल लेते हैं, क्या होगा आर वन आर टू बाई आर टू बाई आर वन प्लस आर टू कितना हुआ 50 इंटू 100 बाय 150। सो ये कट हुआ 3, कितना आ गया आर इक्वलेंट 100 अपॉन 3। सो अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए क्या डेल्टा इन आर इक्वलेंट, तो क्या हो जाएगा आर इंटू परसेंटेज बाय 100। सो आर कितना है खुद 100 बाय 3 इंटू ये कितना है 13% डिवाइडेड बाय 100। सो इसका मतलब 13 बाय 3 आ जाएगा, मतलब 4 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 3 टाइप, ठीक है 4.3 इतना ओम का चेंज आ जाएगा फाइनल आंसर में, ठीक है। सो फाइनल आंसर दो तरीके से लिख सकते हैं, क्या 100 बाई 3 प्लस माइनस 13%, और क्या लिख सकते हैं 100 बाई 3 प्लस माइनस 4.3। समझा ना? यस सर। रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग को समझ आ गया है। तो यार आज बहुत सारी अच्छी बातें हुई, बहुत सारी नई चीजें हमें देखने को मिली, क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर और मिक्स्ड, इन सब के क्वेश्चन कैसे करते हैं, समझ में आ गया ना? यस सर। अच्छा अभी भी प्रैक्टिस शीट का सॉल्विंग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसी चीज को एक बार अच्छे से देखें, क्योंकि अभी दो पार्ट बचे हुए हैं, क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाने वाला हूँ, जो मैंने आज बताया कि आंसर मैंने 4.33 क्यों नहीं लिखना, सिर्फ 4.3 क्यों लिखेंगे, क्लियर? अगर 4.8 आ जाता तो फिर क्या लिखते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, समझ आया ना? तो ये सारी चीजें पहले हमने एरर सीख ली, अब हम ये सारी चीजें सीखेंगे, ओके? कि आंसर को कैसे फाइनलाइज या फाइनल टेस्ट, यस सर। ओके ओके सर, ठीक है यार, आज के लिए फिर इतना काफी है। कुछ भी डाउट रहता है व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ओके? नो प्रॉब्लम सर। सॉल्विंग के लिए कुछ है आज? नहीं, आप सिर्फ अभी इसी को एक बार रिव्यू कर लो, नेक्स्ट में कंप्लीट होने के बाद आप शीट, या फिर आप शीट में से सॉल्विंग कर लो, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला सेक्शन छोड़ दो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद में से स्टार्ट कर दो क्वेश्चन, ठीक है? यस सर। मैं क्वेश्चन नंबर पोस्ट करता हूँ, आप शीट सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हो, मैं क्वेश्चन नंबर पोस्ट कर दूंगा, ओके? ओके सर। चलो ठीक है, बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir.